हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज प्रज्ञा किचन में चटपटी रेसिपी बनने जा रही है, उसका नाम है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंड्स, अपन फ्रेंच फ्राइज बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के केले लिए, जो मैंने इस तरीके के चॉप कर लिए लंबे लंबे, इनको छील के अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पर चिल्ड वाटर लिया और उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल के इनको 10 से 15 मिनट इसी तरीके से छोड़ दिया। अब अपन इसको एक कॉटन कपड़े पे इसको फैलाना है अपने को। मैंने इस तरीके नैपकिन लिया है इसको, ताकि ये थोड़ा पानी इसके ऊपर से सूख जाए। आपने आलू के तो फ्रेंच फ्राइज बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज अपन केले के बनाएंगे। इसको अच्छे से फैला दिया है कॉटन कपड़े पे। ये जब तक इसका पानी नहीं हट जावे, तब तक अपने को इसको 10 से 15 मिनट फैलाए रखना है। अगर आप इसको नमक के पानी में नहीं डालोगे तो केले में लॉट्स ऑफ आयरन होता है, तो वो काला पड़ जाता है, इसलिए आपको नमक के पानी में डालना ज़रूरी है। इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जल्दी नहीं है तो इसको 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो इस तरीके का कोई भी कॉटन कपड़ा ले और इसको इस तरीके से इन पर दबा दबा के पानी सोख कर ले। ज़्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि केला बहुत सॉफ्ट होता है तो टूट जाएगा। अपन जल्दी करना है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, इसमें पानी सोख लिया कॉटन कपड़ा है। मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जिसको कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, इनके लगाएंगे। इसके क्या होगा कि ये बहुत क्रिस्पी होंगे और बाजार वाले फ्रेंच फ्राइज थोड़े येलो कलर के होते हैं, तो मैं यहाँ पर येलो कलर के लिए हल्दी बना रहे हैं, इसलिए हल्दी पाउडर डाल दूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो हाथ से करें, लेकिन सॉफ्टली करना हो गया, क्योंकि केला बहुत सॉफ्ट होता है। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये कॉर्न स्टार्च सब पे अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पर मैंने साइड बाय साइड ऑयल भी गर्म रखा है मैंने फ्राई करने के लिए। कॉर्नफ्लोर और हल्दी अच्छे से कोट करिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया। मैंने यहाँ पर 10-15 मिनट कपड़े पे रखने के लिए बोला। अगर आप चाहें तो उसको पंखे के नीचे रखेंगे तो 2-3 मिनट में ही हो जाए। अपने को एकदम ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर अपन एकदम ड्राई कर देंगे तो ये हल्दी और कॉर्नस्टार्च इस पर कोट नहीं होगा। फ्रेंच फ्राइज फ्राई करने के लिए तेल एकदम गरम चाहिए, हाई फ्लेम पे। अब ये अपना तेल गरम हो चुका है, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एकदम गरम हो चुका है, तो बहुत सावधानी से डालें। ये केले के फ्रेंच फ्राइज आपको पता भी नहीं चलेगा ये केले के हैं या आलू के। बच्चे आराम से खाएंगे और हेल्दी भी है, क्योंकि केले के अंदर लॉट्स ऑफ आयरन होता है। अब अपन इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को हाई पे डालना होता है, फिर लो टू मीडियम। ये आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी हो गए। अब अपन इसको निकाल लेते हैं। इसको फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लगे। आप इसको सिंपल लो टू मीडियम पर ही फ्राई करें। अगर आप फुल पे करेंगे तो ये अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे, बाहर से क्रिस्पी। ये देख सुन सकते हैं आप एकदम इसी तरीके से अपन सारे फ्राई कर लेते हैं। सारे फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी बने हैं। अब मैं इस पर चाट मसाला लगा रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा मसाला भी कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों को सेम मार्केट जैसा चाहिए, इसीलिए अपन चाट मसाला लगाते हैं। आज तो ये बच्चे आपके खा के बड़ा ही आपकी तारीफ करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक देखें और देखने के बाद लाइक बटन दबाना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ये अपने तैयार हो गए होम मेड जीन फ्रेंच फ्राइज, बिना आलू के फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार है। फ्रेंच फ्राइज फ्राई करते समय अपने को गैस की फ्लेम हाई पे रखनी है, उसके बाद लो टू मीडियम में फ्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई, वीडियो देखने के बाद लाइक बटन दबाना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते एक नई रेसिपी।